बंधु भगिनीरे, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही गंभीर विषय उठाने जा रहा हूं। यह विषय बड़ा गंभीर है। आप जानते हैं कि अभी सूडान में लड़ाई चल रही थी, अंदर अंदर लड़ाई चल रही थी, कहीं से भी गोली चलती थी, कहीं से पर बम फूटता था, घर के बाहर मुंडी निकालना मुश्किल था। हमारे हजारों भारतीय भाई बहन सूडान में फंस गए थे और उसमें हमारे कर्नाटका के भाई बहन भी सैकड़ों की संख्या में थे और ज्यादातर हमारे कर्नाटका के भाई बहन हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय से थे। सूडान में गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया था। बावजूद इसके भारत सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। हमने पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया, हमने मां कावेरी अम्मा के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया। हम ऐसी ऐसी जगहों से हमारे भारत के भाइयों बहनों को वापस लाए जहां विमान तक उतरना मुश्किल हो रहा था। कहो भाइयों बहनों, ये कठिन काम था कि नहीं था? हमारे लोगों की जान खतरे में थी कि नहीं थी? हम उनको बड़ी मुश्किल से ले आए, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने जानते बूझते सूडान में फंसे भारतीयों को वहां के उपद्रवियों के सामने एक्सपोज कर दिया। और कांग्रेस पता नहीं क्या चाहती थी, अगर सूडान में भारतीयों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए तो कर्नाटका में राजनीति की रोटी सिक जाए। ऐसे गंदे विचार, ऐसे गंदे विचार लेकर के कोई पार्टी कर्नाटका के नागरिकों को सूडान में मुसीबत में डाल दे, बयानबाजी करके डाल दे। क्या यही है कांग्रेस की देश की लोगों के प्रति संवेदनशीलता? और साथियों, ये राजनीतिक ओछापन दिखाते हुए कांग्रेस भूल गई, ये मोदी है। ये मोदी अपने देशवासियों को संकट में देख किसी भी हद से गुजर सकता है। ये हमारी सरकार है जो पाकिस्तान के चंगुल से अपने एयरफोर्स के जांबाज अभिनंदन को घंटों में ही छुड़ा कर लाई थी। ये हमारी सरकार है जो इराक में 50 जितनी नर्सों को सुरक्षित भारत लेकर आई थी। ये हमारी सरकार है जो अफगानिस्तान में किडनैप हुए फादर एलेक्स प्रेम कुमार को सुरक्षित भारत लेकर आई थी। ये हमारी सरकार है जिसने यमन संकट के दौरान वहां फंसे हजारों भारतीयों को
बाहर निकाल करके वापस लाए थे। ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना के समय वंदे भारत अभियान चलाकर लाखों भारतीयों की घर वापसी कराई। अभी यूक्रेन युद्ध के समय भी हमारी सरकार ही हजारों विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आई। संकट के समय में राजनीति करने की इस प्रवृत्ति की कांग्रेस को अब इस चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।